खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर से जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया के किसान कर्ज माफी पर कई सवाल भी उठाए हैं नरोत्तम मिश्रा में। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी और साथ में लक्ष्मण सिंह का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम भी किया है। आपको बता दें, ये बयान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया। साथ ही प्रदेश में तहसीलदारों की हड़ताल पर नरोत्तम मिश्रा बोले कि किसानों का हित देखते हुए हड़ताल ना करें। पटवारी हड़ताल की तरह तहसीलदार हड़ताल भी सरकार का एक षड्यंत्र है। वहीं राज्य की सरकार को तत्काल महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अंकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, तरफ से नरोत्तम मिश्रा लगातार देखने आए, अपने बयान देते रहते। उन्होंने आज सिंधिया का जो मामला है, ज्योतिराज सिंधिया ने जिस तरह से बात कही कर्ज माफी के, वो उसी को वो मुद्दा बनाकर उनका कहना है कि अब जब लक्ष्मण सिंह और सिंधिया ही कर्ज माफी के मामले पर सवाल खड़े करने लगे, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेसी शिवराज जी के यहाँ लिस्ट लेके गए थे, अब वो क्या इनके यहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने कर्ज माफी की बात करी थी, राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्ज माफी की बात करी थी, कर्ज माफी तो हुआ नहीं। ऐसे में अब क्या ये कांग्रेसी लोग वहां जाएंगे। निश्चित तौर पर तहसीलदारों की हड़ताल पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि तहसीलदारों की हड़ताल है, निश्चित तौर पर सभी वर्ग नाराज है। और उसी का ये है कि किसानों को आज जब मुआवजा बांटना है, सर्वे होना है, ऐसे में कर्ज तहसीलदारों की हड़ताल अपने आप में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार को जल्द से जल्द महंगाई भत्ता भी बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर महंगाई भत्ते को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को महंगाई भत्ता जो है दिया जाता है, वो उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। कई सारे उन्होंने कह सकते सरकार पर सवाल खड़े करे हैं, चाहे वो कर्ज माफी का मामला हो, चाहे महंगाई भत्ता का मामला हो, चाहे तहसीलदारों की हड़ताल हो, कई सारे सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए। जी चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल से एक खबर, जहां पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने सिंधिया से किसान कर्ज माफी पर कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने सिंधिया का और लक्ष्मण सिंह का धन्यवाद दिया है।